तो हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबा जी। आज मैं आपके लिए वो पांच ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप अपने इंस्टाग्राम की रील्स को वायरल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताऊंगा वो पांच टिप्स कह लीजिए, पांच ट्रिक कह लीजिए, वो आपको कभी भी किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरल कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो आइए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो पहला ट्रिक है या टिप्स कह लीजिए, वो मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी आजकल आप देख रहे हैं, जो वीडियो चल रही है, सबसे ज्यादा वायरल हो रही है इंस्टा पे रील्स, तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको कैसी वीडियोस बनानी है कि जिससे आपकी वीडियो वायरल हो। तो पहला जो ट्रिक है, वो पहला ट्रिक ये है कि आपको उसी टाइप की वीडियो बनानी है जो आपकी वीडियो चल सके। ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के और कैसे भी बना दे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप रील्स ओपन करेंगे अपना, जो भी रील्स, तो रील्स में देखिए पहले कि टॉप में आपकी कैसी वीडियो चल रही है, कैसी वीडियो चल रही है। तो आपको देखना कि अगर वो उसी का म्यूजिक है, अगर म्यूजिक आप देख रहे हैं कि आपने म्यूजिक देखा, म्यूजिक में देखा कि ये म्यूजिक चल रहा है, इस पर ट्रेंड कर रहा है, तो उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग आपको वीडियो बनानी है। क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स पे ये हो रहा है, मैंने देखा कि जो रील्स चल रही है, जो रील्स मतलब जो ऑडियो चल रही है, उसको ऑडियो के ऊपर आप कितनी भी बेकार वीडियो बना देंगे, फिर भी वो वीडियो चलेगी, और फिर भी चलेगी नहीं, वो वीडियो चल रही है, वो वीडियो चल रही है, मैंने देखा मैंने। तो आपको बता दो, जो पहला ट्रिक्स है, यही आपका ट्रिक है कि अपना जाइए रील्स में और ट्रेंडिंग में जाके जो सॉन्ग चल रहे हैं ना, और जो हैशटैग लगे हुए हैं, उन्हीं हैशटैग के ऊपर और उन्हीं वीडियो, उन्हीं सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाएं। सेकंड टिप्स आपको बता दूं, सेकंड टिप्स ये है कि आप खुद का अपना क्रिएट कीजिए। ये नहीं कि आप दूसरों को देख के कॉपी करेंगे और बनाएंगे तो वो वीडियो वायरल नहीं होगी, क्योंकि अगले ने पहले से ही अपना एक नया लुक डाल दिया है वीडियो में, तो लोग उसको देख के पसंद कर रहे हैं। जैसे कोई भी हो, कपड़े चेंज करने का वीडियो हो या कोई भी अलग ही हो, तो उसे आप हल्का सा चेंज कर दीजिए, उसमें कुछ हल्का सा चेंज कर देंगे तो इससे ये होगा कि उसको पता नहीं चल पाएगा, कि जैसे लगेगा लोगों को कि कुछ नया लेके आया है। तो आपको यही करना है कि उसमें अपना अलग क्रिएटिविटी दिखाना है, कि जैसे कि मैं कुछ नया दिखा दूं हल्का सा, और जैसे कि कोई मैं चलता हुआ हो गया, चाहे आपको मैं बता दूं, जो ऐप आप जानते हो, काइन मास्टर हो गया या पावर ट्रैक्टर हो गया, बीटा या बी स्टार जो नाम है वो है, तो आप इनके ऊपर जाके ना बेस्ट एडिटिंग वीडियो कर सकते हैं। और बीटा पर जाके तो आप तो बहुत ज़्यादा ही वीडियो एडिटिंग बेटर कर सकते हो। रील्स वगैरह की जो वीडियो होती है ना, जो रील्स वाले वीडियो होती है, उन पे आप जाके बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप अपना वीटा में जाके, चाहे आप काइन मास्टर में जाके, चाहे आप अपने पावर डायरेक्टर में जाके, वहां से वीडियो को थोड़ा थोड़ा सब में एडिट कर लेंगे ना, तब ये वीडियो अच्छी बन जाएगी। जैसा कि आपने देखा है, जो फोर्थ पॉइंट वाले बता रहा हूँ आपको मैं, जैसा कि आपने देखा है कि हम YouTube पे मोनेटाइज होने के बाद चैनल, हम खुद का वीडियो नहीं देखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube पे आप देखते हैं कि आपके चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है, तो उसमें आपको खुद का वीडियो नहीं देखना चाहिए, इससे YouTube की गाइडलाइंस के खिलाफ होता है, और आपका जो चैनल होता है उस पर कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि वही सेम कंडीशन होता है इंस्टाग्राम रील्स में। जो फोर्थ पॉइंट यही है, मेन है, आपको ध्यान सुन लीजिएगा, जो मेन पॉइंट है ये कि जो इंस्टाग्राम रील्स में भी यही होता है। जैसे कि आप गए, आपने क्लिक किया, उसमें क्लिक किया, आपने देखा एक व्यूज काउंट हो गया, दूसरी बार क्लिक किया दूसरा व्यूज काउंट हो गया, तीसरी बार क्लिक किया तीसरा व्यूज काउंट हो गया। अब जितनी बार क्लिक करते उतनी बार व्यूज काउंट होता है, और वो जो होता है ना इनएक्टिव शो करता, वो एक्टिव शो नहीं करता, वो इनएक्टिव शो करता, क्योंकि एक ही डिवाइस से आप खुद अपनी वीडियो को देखेंगे तो इनएक्टिव शो करेगा। इसी तरह सेम YouTube पे होता है कि आप अपने वीडियो को अपने चैनल से आप नहीं देख सकते हैं। अगर आप वीडियो को अपने चैनल से देखते हैं तो इनएक्टिव शो करता है, और उससे ये पता चलता है कि जो उसका ऑडियंस रिटेंशन भी घटता है। तो मार को आपको यही पॉइंट था कि आपको अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो को खुद
कभी भी नहीं देखना है, क्योंकि एक बात और अगर हाँ, कई भाइयों का ये क्वेश्चन आता रहता है कि सर हम उसमें कमेंट करते हैं तो कमेंट में वीडियो क्लिक करते हैं तो वीडियो ऑटोमेटिक चल पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो में जाने की आपको जरूरत क्या है कमेंट के लिए, आप सीधा जो नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन में जाके वहीं से आप चाहो तो रिप्लाई का ऑप्शन आता है, आप वहां से रिप्लाई कर सकते हैं और उससे रिप्लाई करना बेटर होता है। उससे ये होता है कि कभी उसको पता नहीं चल पाएगा ना, उसको कभी पता नहीं चल पाएगा इंस्टाग्राम को आपने उसकी वीडियो को अपनी वीडियो को ओपन किया है। अगर अपन वीडियो को ओपन करेंगे तो व्यूज जो काउंट तो होता ही ओपन इनएक्टिव शो करता है, तो कोई आपका बेनिफिट नहीं होता है। जो फाइव है, जो पांचवा है वो ये होता है कि कई भाइयों जैसे कि आपने जो रील्स देखी है वो रील्स आप देखते हैं, रील्स आपको अच्छी लगती है, आप सोचते हैं कि यार ये रील्स अच्छी है इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है, तो आप सोचते हैं कि रील्स को मैं कैसे अपने फोन में सेव करके रखूं या इंस्टाग्राम में कहीं सेव कर दूं। कई बार सोचते हैं कि आप लोग इंस्टाग्राम में कैसे सेव कर दूं जिससे मैं रील्स को देख देख के रिवाइंड कर करके उसको देख देख के वीडियो बनाऊं। तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, जो आप रील्स देख रहे हैं ना उस रील्स पे जाइए और उस रील्स पे जाने के बाद जो शेयरिंग का ऑप्शन होता है ना, शेयरिंग का ऑप्शन, शेयरिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। शेयरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको ऑप्शन आएगा सेव का, उसको आपको सेव करने के बाद वो आपके इंस्टाग्राम में सेव होता है और उसको आप जब चाहे 6 महीने 2 साल कभी भी आपको 10 दिन 20 दिन कभी भी आप उसको जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको वो वीडियो देख देख के आप चाहो तो उस रील्स को देख देख के बार बार आप उस टाइप्स की वीडियो बना सकते हैं या उसमें कुछ नया अपना क्रिएटिविटी अपनी नहीं जोड़ सकते हैं। तो उसको आपको देखना है कि वीडियो कहाँ गई, मैंने ये तो आपको बता दें कि वीडियो सेव हो गई, तो आपको देखना कहाँ है तो आपको प्रोफाइल में जाना, अपने प्रोफाइल में जो आपका आइकॉन फोटो का शो करता है उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर 3 लाइनें शो करती हैं, वो 3 लाइनों पर जाके आप क्लिक करेंगे तो नीचे सेव का ऑप्शन शो करता है। तो आपको कुछ नहीं करना, उस सेव के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप जो भी वीडियो सेव करे होंगे ना वो सब आपको दिख जाएगा, वहां से आप क्लिक कर करके आप जितनी बार चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने रील्स में, अपने खुद के रील्स में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, अपने उसमें क्रिएटिविटी ला सकते हैं। इससे आपका ये होगा ना कि आपको नया क्रिएटर, और आपको मैं कई बार बता रहा हूं कि आप अपना खुद का कंटेंट डालिए, किसी की कॉपी करके उठा के डालेंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है रील्स में, ठीक है। और जो मैं आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लगेगा कि कोई खास नहीं है, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने अपने इंस्टाग्राम को अपडेट नहीं किया है ना तो उसे अपडेट कर लेना, अगर आपने अपने इंस्टाग्राम को अपडेट नहीं किया है तो आप ट्रेंडिंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको ऊपर शो नहीं करेगा कि कौन सी ऑडियो ट्रेंडिंग चल रही है या किस पर मैं वीडियो बनानी है। आप गए ऐसे उठोगे आप ट्रेंडिंग शो में जाओगे, आपका इंस्टाग्राम अपडेट है नहीं और आपको दिखेगा कि आपने जो वीडियो बना रहे वो वीडियो पर चलता है कि वो 10 दिन पुरानी ट्रेंड था वो, तो आप वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, नहीं चलेगी। तो आपको इंस्टाग्राम पहले आप देखेंगे, अगर आपका अपडेट नहीं है, स्टोल है खाली अपडेट नहीं शो कर रहा तो उसको अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद फिर जाएंगे ट्रेंडिंग सेक्शन में और वहां जाके ऑडियो जो चल रही है तो उस ऑडियो को उठाना अपने वीडियो पर, जो हैशटैग लगे हुए ना वो हैशटैग उठा के फिर लगाना और अपनी क्रिएटिविटी हल्की सी दिखानी है। अगले जो क्रिएटिविटी दिखाई वो ठीक है, अच्छा है, मैं मानता हूँ बेटर, तो उससे हमें हल्का सा 19-20 ज्यादा या कम अपना अलग दिखाएंगे तो वो रील्स आपकी 100 में 1% आपकी वायरल होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो मेरे पास कमेंट जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी कोई ऐसी ऐसी जनरल कंटेंट वाली वीडियो आपको चाहिए हमारे चैनल पे तो आप मुझे कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में आए। तो जय हिंद दोस्तों, जय।